साथियों, कोविड कवच सीरीज एक के चौथे एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पांच मुख्य सुरक्षा कवच, जो यह सुनिश्चित करता है कि चाहे वह विजिटर हो या कर्मचारी, इस वायरस के साथ किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, स्कूल, मॉल, ऑफिस परिसर, आईटी कंपनी, होटल, हॉस्पिटल आदि जगहों पर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला सुरक्षा सूत्र। आने वाले सभी कर्मचारी या विजिटर को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, जिससे कम से कम 6 या 3 फीट की दूरी हमेशा बनी रहे। गेट के बाहर से ही पद चिन्ह का मार्क 6 या 3 फीट के अंतराल में लगा कर रखें। सुनिश्चित करें कि सभी लाइन से ही अंदर आ सकें। एंट्री गेट के नजदीक कभी भी अनावश्यक भीड़ नहीं लगने दें। इन सारी प्रक्रिया में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए दैनिक पीपीई का इस्तेमाल जरूर करें, जैसे मास्क पहने अथवा हाईली इन्फेक्शियस जगह जैसे हॉस्पिटल इत्यादि है तो चेहरे के ऊपर शील्ड लगाएं एवं सैनिटाइजर अथवा साबुन से हर 2 घंटे के बाद हाथ धोते रहें। दूसरा सुरक्षा सूत्र है, थर्मल स्क्रीनिंग करते समय ध्यान रखें कि डिजिटल थर्मामीटर के द्वारा प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का तापमान फीवर चेक करें। थर्मामीटर की रीडिंग को उस व्यक्ति को भी दिखा दें। अगर टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है तो उस व्यक्ति को गेट पर ही रोक दें एवं अपने सीनियर को रिपोर्ट दें। थर्मामीटर की फोरहेड से लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य बनाए रखें। तीसरा सुरक्षा सूत्र है, पीपीई किट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रवेश करने वाले व्यक्ति को हैंड सैनिटाइज करने के लिए प्रेरित करें। मास्क अथवा कोई सूती कपड़े से नाक और मुंह को ढके होने पर ही अंदर आने की अनुमति दें। संस्थान के नियम के अनुसार पीपीई किट का डिस्ट्रीब्यूशन करें। चौथा सुरक्षा सूत्र है, आरोग्य सेतु के लिए प्रत्येक व्यक्ति से पूछताछ करें और उनके मोबाइल को चेक करें कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है अथवा नहीं। चेकिंग में अगर ग्रीन हो तो प्रवेश करने दें और अगर रेड हो तो वहीं पर उसे रोककर सीनियर को जानकारी दें। पांचवा सुरक्षा सूत्र है, व्हीकल एंड मटेरियल का डिसइंफेक्शन। संस्थान के नियम एवं लोकल इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही करें। हर वस्तु को हाथ लगाने से बचें। अगर वहां डिसइंफेक्शन टनल हो तो व्यक्ति को इसको इस्तेमाल करने में मदद करें। साथियों, ध्यान रखें, इस पूरी प्रक्रिया में आपका व्यवहार हमेशा आदेश देने वाला नहीं होकर सहयोगात्मक होना चाहिए एवं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए औरों की सुरक्षा भी आप सुनिश्चित करें। धन्यवाद।